नमस्कार कक्षा 12 में डे 91 में नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, चैप्टर अपना चल रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं प्लांक नियतांक का निर्धारण। वैसे एच की वैल्यू हमें पता है, एच की प्लांक नियतांक की जो वैल्यू होती है 6.625×10⁻³⁴ जूल सेकेंड होती है। अब हम बात करेंगे उसको सिंप्लीफाई करना हो, अगर उसका निर्धारण उसके मान निकालना हो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। उसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसके लिए हम एक ग्राफ पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा ग्राफ पढ़ा था हमने? आवर्ती और निरोधी विभव में ग्राफ, आवर्ती व निरोधी विभव में ग्राफ पढ़ा था ये। और ये ग्राफ कैसे बढ़ाते हैं, इस तरह का ग्राफ हमने लिया था, इधर लिखे हमने आवर्ती, इधर लिखा निरोधी विभव, और इसका ग्राफ हमने बनाया था इस तरह से कुछ, और ये थी इसके लिए दहली आवर्ती न्यूनोमी। तो हमने बात की थी कि निरोधी विभव दहली आवर्ती के आवर्ती के समानुपाती होता है, आवर्ती बढ़ेगी तो निरोधी विभव भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए आवर्ती पहले जितनी मिनिमम है उससे ज्यादा होनी चाहिए, जीरो से नहीं देखनी, उसके लिए मिनिमम है, उसके आगे और बढ़ेगी तो समानुपाती है, इससे पीछे होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा ही नहीं उसके लिए। इसलिए पूरे प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक बात बार बार में आती है, उस बात को जरूर दिमाग में घर ले, जहां भी हमें जरूरत पड़ती है उसका यूज करना पड़ता है लाइन साथ में, कि वो कंडीशन है, सारे नियम लगेंगे लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, हर नियम के साथ एक कंडीशन है कि तभी होगा जब आपकी प्रकाश की आवर्ती दहली आवर्ती से अधिक होगी, तभी ये घटना होगी वरना कुछ भी होगा तो उसके बाद की प्रोसेस है। अब देखो इसके अंदर हमने बात की, ये निकाल लिया था इसका मान, इसमें यहां दो बिंदु ले लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए, यहां से ये मान आगे बढ़ाएं, इधर से ये लाइन आगे बढ़ाए, लंब डालते हैं, ये लंब हो गया 90 डिग्री, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी। इसमें देखें तो अगर ये इसके समांतर को ये रेखा इस प्रकार से खींचे तो उसके साथ ये बनने वाला कोण है थीटा, थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा करण, और ये क्या है आधार। अब देखो ये मान कहां से आएगा, इसका मान इसके सामने से देखेंगे, ये इसके सामने देखेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, इन दोनों का अंतर क्या आया डेल्टा वी नोट, ये आया तो ये मान आ गया डेल्टा वी नोट, आ जाएगा यहां से मान, ये मान है अपने पास आप उस प्रयोग से प्रकाश विद्युत प्रभाव से, इसका मान लेना है तो इसका मान ये यहां होगा इस एक्स अक्ष पे, इसका मान यहां होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डेल्टा न्यू नोट होगा, आ जाएगा। तो ये जो मान आएगा बी सी का मान वो क्या आएगा, वो आएगा डेल्टा न्यू नोट, ध्यान रखना बी और न्यू में डिफरेंस रखना है, इसके लिए निरोधी विभव के लिए, न्यू आवर्ती के लिए। तो यहां से क्या देखें, इस त्रिभुज से त्रिभुज कौन सा लें, त्रिभुज ए बी सी से इस इसकी जो ढाल है, इस ग्राफ की जो ढाल है, इस ग्राफ कौन सा है न्यू और वी नोट से, न्यू तथा वी नोट ग्राफ की ढाल, ढाल क्या होती है झुकाव को मैथमेटिक्स में लिखते हैं टेन थीटा निकालने से, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब और आधार के मान हमारे पास आ जाएंगे आगे, लंब ये है डेल्टा वी नोट और आधार क्या है डेल्टा न्यू नोट, यानी निरोधी विभव में परिवर्तन और आवर्ती में, ये कह सकते हैं कि ये तो किसमें परिवर्तन है, निरोधी विभव में परिवर्तन। तो इसमें आगे ये वैल्यू ले ली हमने एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस 1/2 mv². अब देखिए यहां से 1/2 mv² लिखें तो एच न्यू नोट इधर आ जाएगा, प्रकाश विद्युत समीकरण से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये बात क्या 1/2 mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है 1/2 mv² मैक्सिमम कह दो चाहे, ये किसके बराबर होती है ई वी नोट के बराबर होती है। ये हमने बात की थी विभव का प्रभाव जब हमने पढ़ा था प्रकाश विद्युत धारा में, उस वीडियो को देख लेना उसमें पता चल जाएगा कि इसके बारे में काफी डिटेल से बात की हुई है वहां कि कैसे आ जाएगी, ठीक है, दहली विभव ये निरोधी विभव सॉरी
तो ये आगे विरोधी विभव, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, अब इस समीकरण का करते हैं अवकलन। अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन, अवकलन करने पर। तो डायरेक्ट परिवर्तन लिख देते हैं, जैसे t के रिस्पेक्ट में लेंगे तो इसमें डिवाइड बाय t आएगा, डिवाइडेड बाय dt आएगा, डिवाइडेड बाय dt से dt सब कट जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट परिवर्तन ही लिख रहा हूँ, फिर बाद में क्रॉस करना पड़ेगा। परिवर्तन का मतलब जब इसमें परिवर्तन लेंगे तो इन इनमें भी क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन किसमें होता है, जो राशि चेंज हो सकती है, कभी भी कॉन्स्टेंट में परिवर्तन नहीं होता। कॉन्स्टेंट का परिवर्तन जीरो होता है, जैसे कहते पांच में परिवर्तन लिखो, तो पांच में परिवर्तन हो सकता है क्या? पांच तो पांच ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखिए, तो परिवर्तन किसमें हो सकता है, निरोधी विभव में हो सकता है ना। अगर आवर्ती बढ़ गई तो निरोधी विभव बढ़ जाता है, आवर्ती के समानुपाती होता है या ना ग्राफ। देखो ऐसे आवर्ती बढ़ेगी तो निरोधी विभव बढ़ेगा, ठीक है ना। आवर्ती बढ़ सकती है, प्रकाश अलग आवर्ती का ले लिया हमने, लेकिन दैनिक आवर्ती बढ़ सकती है क्या? दैनिक आवर्ती तो उस धातु के लिए न्यूनतम है जिसके लिए प्रकाश उत्सर्जन हो सकता है, वो तो फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो एच तो कॉन्स्टेंट है ही, एच में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, इसमें भी कोई परिवर्तन है। इसका मतलब इसका परिवर्तन क्या होता है, जीरो। जो राशियां कॉन्स्टेंट होती है उनका परिवर्तन क्या होता है, जीरो होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए यहां से क्या आएगा, परिवर्तन को डेल्टा की फॉर्म में लिखा ना, तो हम भी नॉर्मली डी की फॉर्म में लिखते हैं, इसको डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम डेल्टा की उसी फॉर्म में ले रहे हैं, डेल्टा वी नॉट, इसका परिवर्तन कब होगा, जब इसमें परिवर्तन होगा आवर्ती में, तो डेल्टा न्यू, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें परिवर्तन होगा तो क्या होगा, उसका मान जीरो होगा। लिख भी दोगे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि ये मान जीरो है, तो जीरो रखने पर जीरो रखना पड़ेगा। यहां से क्या है, देखो ये मान निकाला हुआ अपना, इसका उत्तर है ना, बस वो याद रख देंगे। तो न्यू नॉट है ना डिवाइड में, तो ये डेल्टा न्यू नॉट डिवाइड में चला जाएगा, ये सॉरी ये न्यू नॉट नहीं है, न्यू है, याद हो लिया ना, न्यू नॉट तो निश्चित मान है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये न्यू नॉट तो क्या है, निश्चित मान है। ये तो क्या है, उसके बाद आवर्ती बढ़ रही है लगातार, तो आवर्ती का अंतर है, ये न्यू नॉट नहीं है, न्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये यहाँ न्यू है, यहाँ से ठीक है, डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू। ठीक है, ध्यान रखना, ये यहाँ क्या है, यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू है न्यू नॉट, उसके बाद ये मान तो कंटिन्यू कितना भी हो सकता है, वो अंतर लिया हमने, तो अंतर डेल्टा क्यों है, न्यू नोड तो क्या है कॉन्स्टेंट है, उसमें अंतर नहीं ले सकते। तो ये मान हो गया जीरो, पढ़ते इसको, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा वी नोट अपॉन, इसको इधर ले आए डेल्टा न्यू, ये किसके बराबर हो गया, ई को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आए ना, तो क्या हो गया एच अपॉन ई। इसका उत्तर ऊपर निकाला हुआ है, चाहो तो आप इसकी जगह टेन थीटा लिख दो, चाहे ये लिखे रहने दो। ठीक है, इसका मान डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू कहाँ है, बराबर टेन थीटा है, जो समीकरण एक में ज्ञात है, चाहो तो लिख दो, समीकरण एक में ज्ञात है, वहां से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं प्रयोग के द्वारा। तो यहां से एच बराबर क्या है, ये इधर आगे गुणा हो गया, इसका मान डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू गुणा ई। इस तरह से हम किसका मान निकाल सकते हैं, प्लांक नियतांक का मान सिद्ध करके बता सकते हैं कि इतना होता है, प्रयोग के द्वारा, समीकरण तीन के द्वारा। प्लांक नियतांक की गणना की जा सकती है। क्लियर, एक बात और इसके अंदर हम कर लेते हैं, वो है एच की विमा, प्लांक नियतांक की विमा। अगर पूछ लें, विमा जब भी निकालनी होती है, विमा वैसे 11वीं क्लास का टॉपिक है, बारहवीं पूछ लेते हैं क्योंकि हर टॉपिक में आती है ये बातें, जब भी विमा निकालनी हो तो क्या करना होता है, क्या करना होता है, उससे संबंधित आप फॉर्मूला देख लो, कोई भी देख लो, कोई भी, कोई जरूरी नहीं है पर्टिकुलर, कोई भी हो, कोई भी जितने भी पढ़े उनमें से कोई भी हो, और वो फॉर्मूला हम यहाँ लिख लें, उसमें हमें जिसकी विमा निकालनी है उसको एक तरफ रखें, बाकी सबको सेकंड साइड में आरएचएस में कह दें तो दूसरी तरफ ले जाएं, और फिर सबकी विमा रख दें, जिस जिसकी डायरेक्ट पता है वो डायरेक्ट रख दें, ज़्यादातर हमें डायरेक्ट विमा याद नहीं होती है, छोटी बल गुणा बल विस्थापन वेग त्वरण का तो जरूर थोड़ा बहुत याद रह जाता है, ये भी नहीं रहे तो ये भी निकाल लो, उसको उतना सिंप्लीफाई कर लो, जहां तक आपको विमा पता है वहां तक ले जाओ उसको,
आगे से आगे मान रखते रहो, जैसे तुम्हें शक्ति की नहीं पता लेकिन हमें पता है कार्य बटे शक्ति होती है, तो लिख दो कार्य बटे शक्ति, कार्य बटे समय, सॉरी कार्य बटे समय, तो समय की तो पता टी हो गई लेकिन कार्य की नहीं पता, क्या करें इसको, कार्य की जगह लिख दो बल गुणा विस्थापन, ये तो पता बल गुणा विस्थापन होता है, अब तो विस्थापन की तो पता है लेकिन बल की नहीं पता, तो बल बराबर एम बराबर एम में होता है, एम ए द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान और त्वरण का रख दो, त्वरण की पता है एलटी माइनस नहीं पता है तो वेग बटा समय होता है ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वो रख दो, जहां तक आपको नहीं आती है वहां तक ले जाओ उसको, लास्ट में ले जाओ, बाद में इकट्ठी करके रख दो सारी एक साथ और जोड़ घटाओ कर लो, ठीक है। जैसे यहां से निकालते हैं, वी नो दैट ई इज इक्वल टू एच न्यू, देखो कितना सिंपल हो जाएगा, एच इज इक्वल टू क्या आएगा, ई अपॉन न्यू, अब ई पता ऊर्जा है और न्यू पता है आवर्ती है, अगर किसी को याद है ऊर्जा की विमा, मेरे को तो याद नहीं है, किसी को याद है तो वो रख दे और आवर्ती की भी रख दे तो सोल्व कर दे, ठीक है। नहीं याद है तो हमें पता है कि ऊर्जा क्या होता है, कार्य ही ऊर्जा होती है, तो हमें पता है कार्य ही ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा की जगह लिख दें कार्य, और आवर्ती क्या होती है, एक बटा आवर्तकाल होता है, ये चीजें भी है कॉमन यूज कर चुके हैं पहले, ट्वेल्थ इलेवंथ में भी आती है, ट्वेल्थ में भी कर लिया हमने, इलेवंथ नहीं याद तो भी वही कर लिया, एक बटा आवर्तकाल, आवर्तकाल ऊपर जाएगा। अब आपको कार्य की भी याद नहीं है लेकिन कार्य की पता है बल गुणा विस्थापन, बल की हमेशा ध्यान रखो, एम एल टी माइनस टू ज्यादा यूज होती है, हर जगह काम आती है, और नहीं याद है तो फिर वही तरीका है, ए बराबर एम ए तक जाओ, ए से ए भी याद नहीं है तो त्वरण वेग बटा समय पे जाओ, वेग भी याद नहीं है तो दूरी बटा विस्थापन पे जाओ, अब दूरी तो पहुंच गई मूल मात्रक में, वो तो पता है एल होती है दूरी, तो ठीक है समय सेकंड में होता है, उसको टी से लिखते हैं, तो ये आप यहाँ लिख दो, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं एक बार, बल गुणा विस्थापन कार्य को लिख दिया आपने और आवर्तकाल सॉरी ऊपर चला गया, आवर्तकाल क्या है, काल का मतलब समय, ठीक है, परिभाषाओं की जरूरत नहीं है हमें, मतलब पता रहना चाहिए कि क्या है, बल की विमा क्या होती है एम एल टी माइनस टू, विस्थापन की विमा क्या होती है विस्थापन दूरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एल, आवर्तकाल समय टी, तो एम एल इंटू एल एल की पावर दो गई टी पावर माइनस दो और ए करे तो क्या हो जाएगा माइनस ए, ये हो गई एच की विमा, तो ऐसी विमा पूछ लेते हैं एग्जाम में, और लगभग नियतांकों में सिर्फ निकालते हैं वो, ऐसी सिंपल नहीं पूछते है, तो ये भी सिंपल ही लेकिन निकालते क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू से निकालते कि इस कॉन्स्टेंट की विमा बताओ, तो अपना कंफ्यूजन हो जाता है अब क्या करें, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, किसी के भी कॉन्स्टेंट पूछ लें उससे संबंधित जो भी सूत्र याद है वो लिख दो पहले, तो लिख दोगे तो दिमाग अपने आप आगे चलने लग जाएगा, फिर अपने आप ही फिर पता चल जाएगा, जब लिख दिया तो ऊर्जा, अब ऊर्जा पे पहुंच जाएंगे अपने, ऊर्जा पता चल जाए कार्य है, कार्य कार्य की याद है तो लिख दो एम एल टू टी माइनस टू, नहीं याद है तो बल गुणा विस्थापन हो गया ना सोल्व, तो ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक इसको पढ़ लें रिवाइज कर लें, कुछ थोड़े छोटे छोटे टॉपिक दो चार और बच रहे हैं इसमें, उनको करेंगे फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा।